मुझे ना पता जानिए को पार करे थे जानिए तुझे क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर ट्यूटोरियल वीडियो। तो गाइस प्रीव्यू में जो अपने स्टेटस वीडियो देखा, ये जो स्टेटस वीडियो अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंड पर चल रहा है यूट्यूब पे, तो अगर आप क्रिएट करना चाहते हो इस तरीके का स्टेटस वीडियो अपने इमेज के साथ, तो इस वीडियो को बिना स्किप के एंड तक देख लेना, आप इजीली क्रिएट कर सकते हो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ एक लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और चैनल पर जो नए हो सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना, क्योंकि आपको मेरे चैनल पर इस तरीके का न्यू ट्यूटोरियल हर रोज देखने को मिलता रहेगा, ठीक है। और प्लीज़ एक कमेंट कर देना, आपका एक कमेंट बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा मोटिवेट फील होता है और नए नए ट्यूटोरियल देने का, ठीक है। सो कमेंट जरूर करना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर चले जाना है। जो भी फाइल्स आपको चाहिए, या तो XML चाहिए या तो प्रीसेट चाहिए, दोनों चाहिए, आप डाउनलोड कर लेना और एलाइट मोशन ऐप पर इंपोर्ट कर लेना, ठीक है। इंपोर्ट कर लेने के बाद आपको यहाँ पे एलाइट मोशन ऐप को ओपन करना है, जो प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है, ठीक है। प्रोजेक्ट पर क्लिक करने के बाद आपका जो प्रोजेक्ट है उसको आपको सिंपल से यहाँ पे ओपन कर लेना है। कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे आपका जो प्रोजेक्ट है वो देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप देख सकते हो यहाँ पे आपका जो प्रोजेक्ट है वो देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप XML इंपोर्ट करते हो तो आपका जो सॉन्ग है वो डिलेट हो जाएगा, सॉन्ग को आपको यहाँ पे ऐड कर लेना है, ठीक है। सॉन्ग को ऐड कर लेने के बाद अभी आपको यहाँ पे क्या करना है, इस तरह से आप देख सकते हो यहाँ पे जो लिरिक्स वगैरह ऑलरेडी ऐड होगा, बस आपको यहाँ पे क्या करना है, इस पॉइंट पर आ जाना है, ठीक है। 7.11 सेकंड पर आ जाना है, ठीक है। 7.11 सेकंड से नेक्स्ट डबल बिटमार्क कहाँ पर है आपको देख लेना है, ठीक है। 9.24 सेकंड, ठीक है। तो दो डबल बिटमार्क के बीच में जितना भी लेयर होगा, सभी लेयर पे आप जो भी इमेज ऐड करोगे सेम इमेज ऐड करना, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे फर्स्ट लेयर पे क्लिक करना है, ओके पे क्लिक करना है, कलर फिल पे क्लिक करके स्टार ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो भी आप इमेज सिलेक्ट करना चाहते हो इमेज को सिलेक्ट कर लेना, प्लस पे क्लिक कर देना। तो इसी इमेज को नेक्स्ट डबल बिटमार्क तो हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है। लेयर पे क्लिक करेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे, कलर फिल पे क्लिक करके स्टार ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, सेम इमेज को हम यहाँ पे क्या करेंगे, फिर से ऐड करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे लेयर पे क्लिक करेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे, कलर फिल पे क्लिक करके स्टार ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो इमेज हम लोग सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, उसके बाद आगे आ जाना है, ये लास्ट लेयर है, उसके बाद फिर से हम इमेज को चेंज करेंगे, ठीक है। हर डबल बिटमार्क के बाद इमेज चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आपको देख लेना है इस डबल बिटमार्क पे, आप देख सकते हो यहाँ पे दो डबल बिटमार्क के बीच में हमने सेम इमेज ऐड किया, ठीक है। उसके बाद 9.24 सेकंड से नेक्स्ट डबल बिटमार्क तक जहाँ तक है, यानी कि 12.27 तक, ठीक है। तो इन दो डबल बिटमार्क के बीच में यहाँ पे जितना भी लेयर्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं ना, सभी लेयर्स पे जो भी आप इमेज ऐड करोगे सेम इमेज ऐड करना, लेयर पे क्लिक करना, ओके पे क्लिक करना, कलर फिल पे क्लिक करके स्टार ऑप्शन पर क्लिक करना। क्लिक करने के बाद इमेज को सिलेक्ट करके प्लस पे क्लिक कर देना, ठीक है। और ये सब इमेज अगर आपको चाहिए प्लीज़ ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल, आपको ईजिली टेलीग्राम चैनल पर ये सब इमेजेस ईजिली मिल जाएगा, ठीक है गाइस। इस तरह से आप देख सकते हो, इस तरह से आपको यहाँ पे क्या करना है, इमेजेस को आपको यहाँ पे ऐड कर लेना है, ठीक है। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, नहीं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे डीएम कर देना, मैं रिप्लाई जरूर करता हूँ, ठीक है। इस तरह से आप देख सकते हो, उसके बाद सेम प्रोसेस के साथ आपको यहाँ पे आगे जितना भी लेयर होगा सभी लेयर पे इमेजेस को ऐड कर लेना है, उसके बाद वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना है, आपका जो वीडियो वो कंप्लीट हो जाएगा। मैं अगर सेम प्रोसेस आपको बार बार दिखाता रहूँ कि इस तरीके से इमेज ऐड करना है तो आप भी बोर हो जाओगे, ठीक है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ एक कॉमेंट कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। सो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।